एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से आप आंसर करोगे। आपके जीवन के लिए आपके पिताजी ने 30 साल लगाए। कितने साल लगाए हैं? आपका जीवन एकदम मलाई जैसा खूबसूरत, हम चाहते हैं अपना बच्चे का जीवन कितना अच्छा हो, एकदम सुंदर, जितना दे सकते हैं, बिकॉज द रियल यू नो योर रियल वेल्थ इज योर बेबी। मैं तो हमेशा कहती हूँ आपका सुंदर फोटो आपका बच्चा है, द ब्यूटिफुल फोटोग्राफ ऑफ योर्स इज योर बेबी। उसके लिए आप 30 साल लगाते हैं, 30 साल लगाते हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए 30 साल लगाए, उम्र का सब जितना घीस सकते उतना घीसिए। उनके पिताजी ने, मतलब आपके दादाजी ने 30 साल उनके लिए लगाए, ताकि आपके दादाजी अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करना चाहते। उनके भी दादाजी, मतलब पर दादाजी, आपके पर दादाजी ने भी 30 साल उनके लिए लगाए। मतलब आपके लिए कितने साल लगे हैं? आपके पिताजी के 30 इयर्स, उनके पिताजी के 30 इयर्स और पर दादाजी के 30 इयर्स, कुल मिलाकर कितने साल हो गए? 90 इयर्स। आपका जीवन कितना मलाई की तरह होना चाहिए, है ना? अगर 90 साल अगर आपके जीवन के लिए किसी ने लगाए हैं, आपके पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने, सो आवर लाइफ शुड हैव बीन सच अ प्रॉस्पेरस, सच अ ब्यूटीफुल, सच अ क्रीमी, दैट वी शुड हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, नॉट 90 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर में ऐसी कोई चीज आपने बना के रखी है कि पीपल कैन नो यू बाय योर नेम, कि ये चीज आपकी है? 90 किलोमीटर्स। लता मंगेशकर को जानते हैं, गाने संक्रांति, सचिन तेंदुलकर जानते हैं, क्रिकेट। नाम लेने के बाद उस व्यक्ति का कार्य, उस व्यक्ति का कर्म, उस व्यक्ति ने इधर छोड़ा हुआ चीज अगर याद आता है, दैट्स योर अचीवमेंट। अगर आपको 9 किलोमीटर में कोई नहीं जानता है, देन इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ राइट टाइम, यू हैव टू स्टार्ट विथ योरसेल्फ। क्योंकि अगर 90 साल देके भी 9 किलोमीटर में आपको कोई नहीं जान रहा है, तो इसका मतलब आपको खुद पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका जीवन खुद अकेला का जीवन नहीं है। वी आर नॉट सिंगल ह्यूमन, मजा नहीं आएगा करोड़पति घर में बैठे और वो मजा नहीं है। आपको बाहर निकल के फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए जब आप कुछ करते हो, दैट इज अ राइट लाइफ, दैट्स अ फन ऑफ द लाइफ। वी अंडरस्टैंड दैट, यू नो दिस नेम, ये नाम जानते हैं आप क्या है? हु इज ही? जेफ बेजोस क्या है? एनीवन नोस? यू वांट टू से? अमेज़न। ओके, दैट्स ग्रेट, तालियां होनी चाहिए आपके, क्योंकि जेफ बेजोस को कोई ऐसे जानता नहीं है। इसका चेहरा भी पहचानते आप? व्हाट इज डन, क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहिती का अधिकार, इसने आप तक बिंदी, चूड़ी, दुपट्टा, साड़ी, जो उसका कल्चर भी नहीं है, ही हैज रीच टू टेल योर डोरस्टेप, आपके घर तक। उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, वर्कर्स नहीं है, नथिंग, इट इज द ओनली इंफॉर्मेशन ही हैज सप्लाइड, एंड इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अमीर आदमी है, या बट लुक एट द सोर्सेज ऑफ इनकम ही हैज, 27 सोर्सेज है। इन स्पाइट ऑफ दैट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हिज इज अमेज़न, ई कॉमर्स के बावजूद ही हैज कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, उस सब चीज के लिए ही स्टार्टेड वन ऑफ द मोर सोर्स ऑफ इनकम। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे टिका हुआ नहीं है, एज रिचेस्ट मैन है, अमेज़न इज बीइंग नोन बाय, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाते जा रहा है। द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन व्हाट ही इज ट्राइंग टू गिव इज अ 7-star स्टैंडर्ड, मतलब वो इतना एजुकेशन पास ऑन कर रहा है ताकि जो
एब्सोल्युटली रिसोर्स जो कल्चर होने वाला है वो अपग्रेडेड निर्माण हो. नेक्स्ट, एलॉन मस्क नाम सुना है आपने, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज दे आर यूजिंग. एक ही कंपनी पे ये बड़े हुए हैं, दे हैव मल्टीपल कंपनीज, दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और उसका वो एक भाग है और खुद को वो अपग्रेड करते जा रहे हैं. दुबई इज अ अरब कंट्री बीइंग नोन फॉर द गैसेस एंड द ऑयल सप्लाई. आज वो कंट्री, उसको पता है एक दिन सब इलेक्ट्रॉनिक में चला जाएगा, इलेक्ट्रिकल पे चला जाएगा, द गैस एंड द ऑयल विल इवॉपरेट, निकल जाएगा, फिर उसका क्या. सो दे आर ऑलरेडी गॉट द प्लेटफॉर्म, उन्होंने अपना एक नया सोर्स निर्माण किया है. नाउ दुबई इज नोन फॉर टूरिज्म, यू आर अवेयर ऑफ इट. सिंगापुर में कुछ नहीं है, इट्स दी ओनली टूरिज्म विच इज सस्टेनिंग. मालदीव सेशल्स में और कुछ नहीं है, एवरीथिंग दे आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड. पानी भी बाहर से आता है, फ्रूट्स भी बाहर से आते हैं, उनका घी तेल सब बाहर से आता है, फिर भी दे हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ टूरिज्म. मगर अगर जो चीज है उसको अपग्रेड कर रहे हैं या तो एक नया सोर्स निर्माण कर रहे, बट दे वॉन्ट टू से एज अ अपग्रेडिंग. नेक्स्ट, इनको जानते हैं क्या नाम है, रतन टाटा. तालियां होनी चाहिए इनके लिए. जायंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है. सी द कंपनीज ही हैज, 150 कंपनी है, 150, मोर देन 150 कंपनीज ही इज गॉट, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज बीन सर्विंग कैटरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसमें बहुत ज्यादा आई गॉट इम्प्रेस, टाटा संपन्न मसाला, टाटा सॉल्ट, जिसके 5-स्टार होटल्स है, जो जैगवार देता है, जो मर्सिडीज देता है, वो आपके घर का नमक और मसाला भी देता है. इट इजंट दैट अमेजिंग. और उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं. अ वन जायंट इंडस्ट्रियलिस्ट इज टीचिंग अस. और ये सब में ना कपड़ा छोड़ा, ना खाना छोड़ा, नथिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही इज डूइंग इन ज्वेलरी, तनिष्क ज्वेलरी. आपने एड देखी होगी, मदर्स डे की है, वुमेन्स डे की है, दिवाली की है, आई थिंक क्रिसमस है, ईद है, सभी की जो एडवर्टाइजमेंट आती है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ इनकम. उनके रिसोर्सेज वो बढ़ाते जा रहे हैं ताकि दे कैन कैटर, दे कैन सर्व इन ऑल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, ये नाम मालूम है, एक भी बिजनेस छोड़ा है इन्होंने, छोड़ा था जेफ बेजोस ने वो बिजनेस उठा लिया था, ई कॉमर्स. सिटिंग इन यूएस ही वॉज गिविंग द सर्विस इन इंडिया, लेकिन ये बंदा चुप नहीं रहा. ई कॉमर्स में अभी उन्होंने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 200 CR सिर्फ ये चेक करने के लिए, आई कैन डू इट ऑल, हमारे पास उतना पैसा है देखने के लिए कि 200 CR लगा के, करोड़ लगा के, ये मैं बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं, ये देखने के लिए अपने पास उतना पैसा नहीं है. बट ही इज चेकिंग ऑन दैट. इफ यू सी द इंडस्ट्रीज, ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री ही इज इन, शूज है, ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, आपका केमिकल इंडस्ट्री है, एवरीवेयर द नेटवर्क, फाइबर नेटवर्क, जियो नेटवर्क इज बीन नोन फॉर इट. और एक एक रुपया उधर उन्होंने उठाया है. नाउ ही इज गेटिंग इन टू ई कॉमर्स, मतलब जो पॉपुलेशन इंडिया का है उधर से भी ई कॉमर्स से ये अपना रिसोर्स निकालने वाले. नेक्स्ट, डू यू नो दिस पर्सन, एनीवन नोस दिस पर्सन, गोदरेज. गोदरेज का क्या होता था, फ्रिज होता था, ताला होता था, तिजोरी होती थी. आज गोदरेज किस में है, एस्टेट एजेंसी. रॉयल एक्चुअली रियल एस्टेट में भी गोदरेज ने अपना मुकाम पाया है. और व्हेन ही एंटर्ड इन द रियल एस्टेट, पीपल वर लाफिंग. और आज गोदरेज ने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छे से लगा के रखा है. एंड आई वॉज शॉक व्हेन ही एंटर्ड द हेयर डाई. लोग, मतलब जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो आपको जितनी सेवा दे सकते हैं उतनी सेवा देकर रिसोर्स से पैसा कमाना जानते हैं. एंड बाय ऑनर, एब्सोल्युटली
ऑनर से. नेक्स्ट, हर एक की इच्छा रहती है दैट वी शुड बी द बिग जायंट. लोग हमको जाने, केवल 9 किलोमीटर में नहीं, 900 किलोमीटर में नहीं, पूरा जग हमको जाने. नेता और अभिनेता भी तरस जाते हैं सम्मान के लिए. इफ यू सी द स्मॉल बेबी ऑल्सो यू कॉल हिम ऑन द स्टेज, इज सो डिलाइटेड, मम्मा आई गॉट दैट वर्ल्ड कप. एक छोटा भी कप मिला है फिर भी इज लाइक अ वर्ल्ड कप उनके लिए हो जाता है. वो सम्मान के लिए तरसते. टू हैव दिस बिग एम्पायर क्या होना चाहिए, आपको एक अच्छी सी आइडिया होनी चाहिए, लोगों को उसमें बिलीव होना चाहिए, एक बड़ा सा निवेश, एक ह्यूज कैपिटल लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा सा ह्यूमन रिसोर्स, अ कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स. एक याद रखिए, कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिलीवर कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, जो दे सकता है, वो रिसोर्स आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. और मार्केट चैलेंज तो भरे पड़े हैं. कोरोना ने तो दिखा दिया, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस सिंगल वाले थे सब उड़ गए. सो मार्केट चैलेंज कैन बी एनीथिंग. हेल्दी कॉम्पिटिटर चाहिए, नहीं तो कॉम्पिटिटर अगर चीटिंग करता है तो योर बिजनेस विल बी एट टास्क. मार्केट ट्रेंड, पहले हम ढूंढते थे खाना वड़ कुठे मिलेल का, नंतर वड़ा पाव बनाले, फिर भजी ढूंढने लगे, फिर सैंडविच ढूंढने लगे, आज क्या ढूंढते हैं हम, कुछ तो ढूंढते हैं ना, मोमोज. ट्रेंड बदलता रहता है. पहले खाना वड़ होता है, वड़ा पाव वाला सैंडविच भी वर सो जॉयफुल, फिर वो शोरमा टोरमा कुछ भी आ गया. अभी एवरीवन वी सी इन एटलीस्ट मुंबई में, पुणे में भी वही होगा कि कुधर वेज मोमोज. ट्रेंड्स आर चेंजिंग, कुछ नहीं है. मोमोज में भी सब्जी है, उसका वो ढक्कन जो है वही रोटी है, कुछ नहीं. रैपर्स एंड इंटेक इनसाइड इज द सेम, सिर्फ प्रेजेंट करने का अलग है. खानावळीमध्ये सुद्धा पोळी भाजीच मिळत होती. वडा पाव में क्या है, सब्जी अंदर है, ऊपर का कवर लगा हुआ है. शर्मा इज समथिंग, बट इट्स द ओनली ट्रेंड, इट्स द ओनली डिफरेंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड द अनलिमिटेड मार्केट रिस्क. कितना लगाया है उससे आपको बाहर कितना निकालना है, कितने टाइम में निकालना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और कितने टाइम तक निकालते रहोगे, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जिन्होंने सैंडविचेस के दुकान लगाए थे, पिज्जास के लगाए थे, आज वही लोग मोमोज के लगाए. सो इट इज लाइक यू नो, यू हैव टू कीप्स ऑन ट्यूनिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस पर आपको ट्यूनिंग करते रहना पड़ेगा. Resources, very, very important.